हमारी नौकरी यहीं लगवा। यहाँ सामरी आ रहा है, सामरी बच्चों बिगाड़ रहे सबको। बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए तो, वो आपको रास्ते में बचने का। भाई साहब फ्लो देख लो यार गंगा भैया का। So guys, welcome back to the new vlog. सबको सलाम नमस्ते एंड सत श्री अकाल। आई होप सब अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइज आज का डे वैसे भी बहुत अच्छा गया था, बहुत बिजी था यार, टाइम बिल्कुल नहीं मिला। तो मैं अभी व्लॉग स्टार्ट करूं और टाइम अगर मैं आपको दिखाऊं आप भी कहोगे यार इस टाइम पे इस लेवल की एनर्जी। और वो क्यों मैं बताता हूं, पहले टाइम देख लो एक बार। तो गाइज टाइम आपके सामने है, 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट है। एंड गाइज अभी मैं और मेरे कुछ खास दोस्त हम जा रहे हैं महादेव की नगरी हरिद्वार, गंगा मैया के दर्शन करने। बिल्कुल अभी शाम को ये डिसाइड हुआ है कि यार चलते हैं। दो साल हो गए, दो साल पहले गए थे, तब तक मैं व्लॉगिंग नहीं करता था। तो अभी जा रहे हैं, बैग मैंने निकाल लिया है, टॉवल ले लिया है, लोअर ले लिया है और कुछ सामान चाहिए नहीं बिल्कुल भी हमें। तो बस अभी निकल रहे हैं, 12 बजे निकलेंगे। एक दोस्त को हमें पिक करना है, उसका ऑफिस है, उसकी जानबूझ के हमने छुट्टी करवाई है कि यार नहीं तू शॉर्ट लीव ले, कोई भी बहाना मार, हमने जाना है और चारों ने साथ जाना है। तो उसको नोएडा से पिक करना है, वहां से निकलेंगे सीधा महादेव के पास। तो बस अभी निकल रहे हैं, 10-15 मिनट में निकल रहा हूँ, पैक कर लेते हैं और खाना पीना कर लेते हैं। खाना पीना तो वैसे रास्ते में खाएंगे यार, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर भूख लगेगी तो चीतल रुकेंगे, चीतल ग्रैंड, वहाँ से पराठा खाएंगे और चाय पियेंगे। तो हम जिस टाइम पे पहुँचेंगे उसी टाइम पे हम आरती भी अटेंड कर लेंगे। एंड अभी से ही गाइस व्लॉग में कमेंट में लिख दो हर हर गंगे हर हर महादेव, बहुत मजा आएगा, आप लोगों के भी घर बैठे बैठे दर्शन हो जाएंगे। और मैं वहाँ क्यों जा रहा हूँ वो मैं आपको रास्ते में बताऊंगा कि रीज़न क्या है जाने का, भी बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। तो वो आपको रास्ते में पता चलेगा और आपको 200 से भी मिलाऊंगा। तो अभी फटाफट निकलते हैं, चलो। हेलो गाइस, फ्रेंड का कॉल आ गया क्योंकि एक दोस्त को पिक भी करना है और उसको पिक भी नोएडा से करना है, बहुत दूर से। और लैपटॉप यहीं रख देते हैं, काम हमारा हो चुका है, अपलोड करना है, कल कर देंगे। तो ओहो ये तो बंद किया ही नहीं यार, खुला हुआ लेके जा रहा था। रुक जाओ, रुक जा यार, रुक जा। ये बंद कर दिया। तो गाइस प्लान चेंज हो चुका है यार, हमें बुलेट पे जाना पड़ रहा है यार, गाड़ी में कोई फॉल्ट हो गया तो बुलेट पे ही चल रहे हैं भाई। गंगा मैया के लिए, महादेव के लिए क्या क्या करना पड़ता है देखा। नहीं गाइस मैं मजाक कर रहा हूँ, एक्चुअली जहाँ से हम गाड़ी निकालेंगे ना यहाँ पे पार्किंग का बहुत ज़्यादा लोचा है, बहुत बड़ा लोचा है। तो जहाँ से पार्किंग से निकालेंगे वहाँ पे सबकी नज़र रहती है बाज की तरह कि गाड़ी कैसे निकली है, तो हम भी लगा दें। तो मैं ये पार्क कर दूँगा, गाड़ी लेके जाएंगे, तो जब गाड़ी आएगी कल सुबह बाइक हटाएंगे तो हम अपना पार्क कर लेंगे। बहुत तेज हो रहा है भाई। एक चीज दिखाता हूँ आपको, अगर आपको दिख रही है तो ये देखो, ये स्पाइडर वेब देखो यार, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यार। ये देखो प्रॉपर वेब है ये, ऐसा वेब मैंने आज तक पूरी लाइफ में नहीं देखा, एग्जैक्ट बना हुआ। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया भाई जी? तो ये गाड़ी निकलने वाली है अपनी और भाई से भी मिलवाते हैं आपको। भाई को आपने देखा होगा काफ़ी व्लॉग्स में, काफ़ी टाइम बाद भाई आया है और बहुत मस्ती करते हुए जाएंगे। पहले तो भाई को पिक करना है, हमें नोएडा जाना है। चलो भाई चलो 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 भाई, अपनी गाड़ी आ चुकी है और गैस फिल हो रही है और अपने सरदार जी चीट डे चल रहा है, चीट डे सरदार जी का। सरदार जी सबको हाई कर दे एक बारी, सबको हाई कर दे और गंगा मैया कर दे, जय गंगा मैया की। और अभी कितना टाइम लगेगा हमें भाई को उठाने में, कम से कम एक घंटा लगेगा ना, और क्या भाई। तो फटाफट यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि भाई को भी उठाना है और काफी देर हो चुकी है, हम नहीं चाहते कि हम आरती मिस करें यार, आरती मिस नहीं करनी बिल्कुल भी यार, क्योंकि हम स्पेशली आरती के लिए जा रहे हैं। इन भैया की वैसे लेट हो चुके हैं, हमने गाड़ी आगे लगाई हुई थी। इसको बंद करो यार, व्लॉगिंग हो रही है और हमने गाना चला दिया यार। भाई पेट पूजा सबसे पहले खा ले यार, पता नहीं कब पहुँचेंगे, रोटी कब खाएंगे, कब खाएंगे मुझे समझ नहीं आ रहा कब पहुँचेंगे। भाई भाई के ऑफिस तो पहुंच गए, यहाँ तो सन्नाटा है, कहाँ है भाई, आज पहुँचाएगा भाई हमें हरिद्वार? नहीं मुझे लग नहीं रहा, वैसे यही दो बज गए यार, कमाल हो गई यार, आज हमारी आरती मिस हो जाएगी यार। इतना बड़ा कंपाउंड है, ना बंदा ना बंदे की जात। यहाँ सामरी आ रहा है, सामरी सामरी चुड़ैल आ रही है, हाँ घुमा लो यहाँ से घुमा लो। अरे दोस्तों ये हमारा बाबा जिसको ढूंढते ढूंढते पागल हो गए हम, एक बार सबको हेलो कर दे जल्दी फटाफट मेरी जान फटाफट। बाबा क्या बात है, आज पूछा रहे नहीं हरिद्वार, मुझे ये बता। यो हमारा प्लान था कि मतलब 3:30 तक हम हरिद्वार पहुंच जाएंगे, गाड़ी लगा देंगे, आराम से जाएंगे तेज दिन। बट अभी 2:15 हो चुके हैं और अभी हम नोएडा में सेक्टर 144 HCL
और हम यहाँ पे पराठे खा रहे हैं, भाई पराठे खा रहे हैं दबा के गोभी दे। तो यहाँ से भी अभी हमें लग जाएगा कम से कम आधा घंटा लग जाएगा और हम पहुँचेंगे यार 5:30 बज जाएंगे यार। मेरे भाई से मिलो, भाई का क्या नाम है? नितेश भाई, मयंक भाई, और हमारा संजू बाबा। संजू बाबा ने घुमाया हमें यहाँ पे एचसीएल के कंपाउंड में। परांठ है एकदम लाजवाब, गोभी है ना, ये मिक्स है, बढ़िया है, गोभी टेस्ट का ना, गोभी नहीं खाया, एक्सीलेंट है यार, एक्सीलेंट। मैं भी खाऊंगा। नहीं नहीं, मैगी मैगी नहीं यार, ये बहुत सही है भाई, चल रहे हैं अब आगे। तुम्हारे नाल आके गलती करती मैंने लग रहा है, फटाफट चलो यार, ये भी लेना नटखट जो भी है, खट्टा मीठा। हर हर महादेव, बड़ा सही बैठा ना आराम से, ओके की रिपोर्ट ब्रो, ऑल द बेस्ट। एक बार जयकारा हो जाए यार तेज, बोल गंगा मैया की जय। पूरे रास्ते बात करते 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 5:30 होने वाले हैं। ये है हमारा सांजा चूल्हा, जगह भी ऐसी ढूंढो जहाँ पे पूल हो, देखो हमारे नसीब में। अभी 5:30 बजे हैं, अभी पहुंचने वाले हैं, लगेंगे 10-15 मिनट और, 15-20 मिनट और। थोड़ी चाय पी लें यार, क्योंकि भाई सब चला के आ रहे हैं, जॉब भी करी है, पूरी शिफ्ट भी कम्प्लीट करी है, और बिना झपके के बातें भी किससे भी बताएं वो बता नहीं सकते आपको, हर चीज ब्लॉग में नहीं शेयर कर सकते, आप तो हर चीज सुनने बैठ जाते हो, ब्लॉग को लाइक नहीं करते, स्किप कर देते हो, है ब्लॉग को लाइक करो। क्या खेलो, क्या खेलो की बात कर रहे हो तुम? नहीं नहीं, बच्चों बिगाड़ रहे हो सबको जो देख रहे हैं, पराठे में फोकस करो। होटल रूम ले रहे हैं, हाँ हाँ, वहाँ पूल है पीछे बैक साइड पे, वो पानी क्लियर है ना, ब्लैक वाटर तो नहीं है? लग तो रहा है वो ब्लैक वाटर, बहु तो नहीं आता वहाँ पे। हर हर गंगे हर हर महादेव। गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं गंगा मैया के पास, और बस चलते हैं स्नान करते हैं, और उसके बाद आज फ्लो बहुत ज़्यादा है भाई साहब, और मैंने आज सोचा था कि आज तो मैं बिल्कुल डुबकी लगाऊंगा ही लगाऊंगा, कम से कम 4-5 डुबकी लगाऊंगा, क्योंकि मैं एक दो बार पहले भी आया था तो बिल्कुल मैंने डुबकी बिल्कुल नहीं लगाई थी। तो चलते हैं अंदर और दर्शन करते हैं भाई साहब। फ्लो देख लो यार गंगा मैया का, ओ भाई। आते वक्त हम अपना अपना ध्यान नहीं रखते खाने पीने का, मछलियों का भी रखते हैं, ठीक है, स्नान बाद में करेंगे, पहले मछलियों का खाना। और बहुत ज़्यादा क्राउड है, देखो श्रद्धालु कितने ज़्यादा आए हुए हैं, और व्यू तो सामने यार मेस्मराइजिंग, अगर आपको दिख रहा होगा वो देखो उड़न खटोला वाइट कलर के, वो जो मूव हो रहे हैं, वाओ यार, व्हाट अ व्यू मैन, व्हाट अ व्यू, और क्राउड भी देखो कितना ज़्यादा है, लगता है बहुत अच्छे टाइम पे आए हैं हम यार, अच्छे दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि इतने सारे श्रद्धालु आए हैं तो कुछ तो रीज़न होगा यार। चलो चलो आगे चलना है, आगे वहाँ पे ब्रह्मकुंड के पास। गाइज ये रहा द फेमस चोटी वाला, अगर हम स्नान कर लेंगे फ्री हो जाएंगे तो यहाँ पे आके पूड़ी भी जरूर खाएंगे यार, फॉर श्योर। गाइज ये ब्रह्मकुंड आ गया, और बहुत ज़्यादा क्राउड है यार, देखो यार आप, बहुत अच्छा टाइम आया है यार, लिटरली हम बहुत अच्छा टाइम आया है। चलो 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 यहाँ नीचे चलते ना, नीचे, हाँ नीचे नीचे वहाँ पे उस साइड चलो चलो। गाइस बहुत ज्यादा क्राउड है, बड़ा अच्छा भी लग रहा है यहाँ पे चलते हैं सामने सामने। हर हर गंगे, राम से राम से राम से। बहुत बढ़िया निकेत, बहुत बढ़िया, हर हर गंगे जय शंकर की, बहुत बढ़िया, हर हर गंगे, बहुत बढ़िया निकेत, बहुत बढ़िया, 5 और, बहुत बढ़िया। तो गाइस अब चलते हैं यार, बहुत अच्छे दर्शन हो गए, बहुत अच्छा स्नान हो गया, भाई ने तो कम से कम 101 डुबकियाँ मारी हैं, मुझे भी कम से कम 10-15 डुबकियाँ तो लगवा दिया है, और यही है कि दर्शन अच्छे हुए हैं, और जब भी हम यहाँ पे आएँ अच्छे मकसद से आएँ, खुशी में आएँ, और आप लोगों के भी बैठे बैठे दर्शन हो गए हैं। भाई तो कह रहे हैं कि ऋषिकेश चलते हैं, बट हमारा भी प्लान था ही नहीं बिल्कुल भी, अनएक्सपेक्टेड था, तो ऋषिकेश का भी तो डिफ़िकल्ट है, अभी घर ही चल लेते हैं, फिर कभी आएंगे तो ऋषिकेश भी चलेंगे, मैं तो कह रहा हूँ कन्विंस करो भाई को,
नहीं नहीं मैं तो चलने की रेडी हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दो घंटे और लग जाएंगे भाई को बोलो बढ़िया कहीं भी यार भाई को तो कन्विंस करो ना। हरिद्वार आए हैं, गंगा मैया के पास आए हैं, महादेव की नगरी, तो हम ये व्यू कैसे मिस कर सकते हैं भैया है? अल्टीमेट कमाल का व्यू है यार, मतलब आप देखो क्लोजली देखो क्या फ्लो चल रहा है यार है। और ये सामने कौन सा मंदिर है? मनसा देवी। ये मनसा देवी, तो ये पीछे कौन सा है? चामुंडा देवी। चामुंडा देवी ये आए गए, चामुंडा देवी यहाँ है सामने और मनसा देवी वहाँ है, वो आपको दिख रहा हूँ, जूम कर दिया मैंने। तो गाइस अब चलते हैं गंगा मैया को, यहाँ से हम बाय बाय करते हैं और नेक्स्ट टाइम जल्दी आएंगे, खुशी से आएंगे और भाइयों के साथ भी आएंगे और मस्ती करेंगे। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, रास्ते में ब्रेकफास्ट करेंगे और CNG भी फिल करानी है भैया, क्योंकि फ्यूल होगी गाड़ी में तभी चल पाएगी, और रुक के खाएंगे जहाँ पे, फिर वहाँ पे शॉट लेंगे। तो चलते हैं, चलो 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 लेट्स गो। भाई चीतल रोक दो, चीतल रोक दो और वहीं पराठे खा लेंगे, एक पराठे के तीन हिस्से कर लेंगे चाहे, बस ज्यादा नहीं खाएंगे। गाइस हमारी जो जर्नी है ना फाइनली एंड होने वाली है, 5-10 मिनट में हम घर पहुंचने वाले हैं और हम रुक गए यहाँ पे, कहाँ पर भाई? ओडियन के छोले भटूरे भाई के मोस्ट फेवरेट है और भाई ने रेकमेंड किया कि यहीं से लेके जाना है, तो लेके जाऊंगा, और बहुत पॉपुलर है भाई, देखो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये है, और गोलगप्पे बहुत पॉपुलर है इसका पानी, तो यार वाइफ को अपनी अपनी भाभियों को अपनी अपनी गर्लफ्रेंड बिल्कुल बिल्कुल सबको लेकर आओ, भाइयों को भी लेकर आओ। गाइस अभी तो मेरा मन नहीं कर रहा खाने का, बट ये भाई ने मुझे रेकमेंड कर दिए और मैं यहाँ से लेके जाऊँगा, पैक करवा के घर वालों को खिलाऊंगा, अगर पास हो वैसे तो पास हो जाएगा, पास हो जाएगा तो फिर यहीं से ही खाएंगे भैया, और कहीं से खाने ही नहीं है।